गई है। कथूरिया की पत्नी शीमा ने बताया कि उनके पति को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनकी कार के कारण गेट टूट सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से परिवार में दहशत की स्थिति है। पता नहीं है व्हाट हिट अस, हमें प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। सो इट्स गलत हुआ है जो हुआ है, और गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं मेरे हस्बैंड पे। वो स्पीड नहीं कर रहे थे वहाँ पे, करना चाहिए था जब इतना वाटर लॉगिंग हो गया था, और लोगों को वहीं कोई, मेरे ख्याल से मुझे उसमें स्विम करता हुआ भी दिखा था, कोई तैरता हुआ उस तरफ जा रहा था एंड ऑफ द वीडियो में, एंड वहाँ पे गाड़ियाँ का मूवमेंट बंद करना चाहिए था जब इतना वाटर लॉगिंग है। अच्छा, घर आके सैटरडे को घर आके उन्होंने बताया कि पानी उनके बोनट तक आ गया था, और हम सब बहुत अमेज थे कि इतनी ऊंची गाड़ी के बोनट तक पानी आना, मतलब बहुत पानी भर गया था। एंड आके उन्होंने अपना इंजन आगे से जो ग्रिल होती है उसमें चेक किया, लाइट वाइट डाल के, कि इंजन में पानी तो नहीं गया है, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है, क्लच वच कुछ थोड़ा स्लिप कर रहा था जब वो आ रहे थे, तो वो सब उन्होंने चेक किया, तो एवरीथिंग थैंकफुली वाज फाइन इन द कार। बट ऐसे मौक़ों पे गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं, वहीं पे रुक जाती हैं, तो वी आर थैंकफुल कि उनकी गाड़ी निकली वहाँ से। यह ब्रेक लाइट्स ऑन है, रेड लाइट्स, एंड बिल्कुल स्पीड पे नहीं है, ब्रेक लाइट्स ऑन है। वो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ उस दिन, एंड तीन इनोसेंट इंडिविजुअल्स की लाइफ गई, और वो सिस्टम के फेलियर की वजह से, जो सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्होंने अपना काम नहीं किया ठीक से, और उसकी फेलियर की वजह से हुआ जो भी हुआ। उसमें रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, आप वीडियो सबके सामने है, सबने देखा हुआ है वीडियो, वो तेज़ नहीं चला रहे थे, उनकी ब्रेक लाइट्स कॉन्स्टेंटली ऑन थी, और फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही थी, एक सर्टन स्पीड से गाड़ी को निकलना पड़ेगा, जब पानी बोनट तक आ गया है तो 5 की स्पीड पे गाड़ी नहीं निकल सकती है, तो स्टॉल हो जाएगी, सो 10-15 की स्पीड होनी पड़ेगी गाड़ी की वहाँ से निकलने के लिए सेफली, और मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सेफ स्पॉट पे निकलने की कोशिश कर रहे थे। गलती किसकी? गलती सिस्टम की है, अब दैट इज़ फॉर द अथॉरिटीज़ टू फिगर आउट किसकी गलती है किसकी नहीं है, बट एमसीडी रोड्स ड्रेनेज द कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर्स, उनकी उन्होंने लाइब्रेरी क्यों चलाया, उनको एनओसी मिला था स्टोरेज के लिए, वहाँ पे लाइब्रेरी चल क्यों रही थी जहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे इन अ सिचुएशन लाइक दैट। रोड्स नहीं कॉर्डन ऑफ की गई थी, इतना पानी भरा है तो पुलिस को वहाँ पे रोड्स कॉर्डन ऑफ करनी चाहिए थी, ट्रैफिक रोकना चाहिए था, नहीं रुका था, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड जाके उसमें पानी में फंसे, उनको नहीं पता था कि इतना पानी वहाँ पे भरा हुआ है, वरना वो उस रोड पे जाते नहीं, कोई नहीं जान के अपनी गाड़ी को ऐसे पानी में डालेगा। कौन कौन से एक्ट्स लगाए, कौन सी सीरियस वायलेशन के एक्ट्स में लगे? द मोस्ट सीरियस इज 105 व्हिच इज द अर्स्ट फाइल 304।
हमारा ये कहना था आज कोर्ट के अंदर कि वहाँ पे जो सबसे पहला नेग्लिजेंस है वो उस आदमी का नेग्लिजेंस है जो वहाँ पे बेसमेंट के अंदर पे एक लाइब्रेरी चला रहा था। तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो इस इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का वो लाइब्रेरी चलाना था जो इलीगल था। दूसरा हमारा आर्गूमेंट था कि अगर वाटर लॉगिंग है तो एक सिविक अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वाटर लॉगिंग ना हो। अगर उस रोड के ऊपर कोई गाड़ी चला के जा रहा है जिस बिल्डिंग उस रोड के ऊपर जो बिल्डिंग सिचुएटेड है उसके अंदर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है तो इस आदमी को लायबिलिटी नहीं है। और स्पेशली उस कंडीशन में जब आपने इतने सीरियस ऑफेंसेस लगाए हैं जो डील करते हैं 304 पुराना IPC होता था, अब 105 BNS है जिसमें इंटेंशन और नॉलेज एक मस्ट है अगर इस तरह के हम एक्शन ले रहे हैं, तो उस गाड़ी ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है। ये हमारी समीशन थी। आपने सर एक पॉइंट 9 जुलाई वाले भी उठाया, उस दिन भी पानी भरा था, 27 जून से पहले भी एप्लीकेशन शिकायत दी गई थी, वो क्या पॉइंट? वो पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ट्विटर में अवेलेबल है कि एक सज्जन ने, कोई रिस्पेक्टेबल सिटीजन ने एक कंप्लेंट करी थी MCD कमिश्नर को 26 जून को, और उसके बाद 16 जुलाई को उसको रिमाइंडर दिया गया, 22 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया, स्पेशली इसी रोड के बारे में, वाटर लॉगिंग के बारे में था और इसी इंस्टीट्यूट के बारे में भी था। अगर उसके बाद भी सीवीक अमेंटी इंसिडेंट को रोक नहीं पाई है तो एक थर्ड पार्टी जो अनअवेयर है उस रोड से निकलने का कसूर कर रही है उसको आप एक्यूज नहीं बना सकते। मेरा कहना ये था कि कोर्ट इस केस की सुपरिटेंडेंस खुद करे और इनोसेंट आदमी ना पकड़े जाएं, राइट कल्प्रिट पकड़े जाएं, ताकि उन तीन बच्चों की परिवार वालों को, बाकी स्टूडेंट्स को जो बेचारे रोड पे हैं, जो 20 घंटा पढ़ा करते थे वो आज बेचारे रोड के ऊपर हैं, एक जस्टिस के लिए उनको कम से कम न्याय मिल सके। क्या सर इसमें अभी तक किसी सरकारी विभाग के किसी अधिकारी की कोई गिरफ्तारी हुई है, किसी से पूछताछ हुई है? कल हमने ये पॉइंट कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट किया था तो हमें ये बताया गया, कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पुट करा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, तो उनका जवाब ये था कि इसमें हमने MCD के कुछ ऑफिसर्स को सम्मन करा है। तो हमने कहा अगर आपने उनको नोटिस करा है तो फिर आदमी को नोटिस देना चाहिए था। आप किसी भी, इसमें 3-4 अथॉरिटीज़ हैं, PWD है, दिल्ली जल बोर्ड है, MCD है, दिल्ली फायर सर्विसेज वाले हैं जो लाइसेंस देते हैं, पर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन या सुपरविजन या रिन्यूअल में इंस्पेक्शन करने क्यों नहीं जाते हैं?